नमस्कार। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत अपने अंतिम सफर पर निकल गए हैं। शुक्रवार को बिपिन रावत का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बार स्क्वायर में अंतिम क्रियाएं करने से पहले बिपिन रावत की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। यकीन मानिए, ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। जिस वक्त बिपिन रावत अपनी अंतिम यात्रा पर निकल रहे थे, उस वक्त उनके पीछे पीछे लगभग 800 सैनिक चल रहे थे। आम जनता का भी हुजूम था, खासकर युवा भारत माता के जय के नारे लगाते हुए चल रहे थे, दौड़ रहे थे। बिपिन रावत भले ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हों, लेकिन देश के लिए जो उन्होंने काम किया, जो योगदान दिया, मन से फौजी वाला जो अंदाज दुनिया को दिखाया, दुश्मनों के जिस तरह से छक्के छुड़ाए, वो सब यादें हर देशवासी के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। जिस वक्त हजारों की भीड़ उनके पीछे चल रही थी, उस वक्त नारे लग रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन जी का नाम रहेगा। बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी भी दी गई। इसके बाद भारत के पहले सीडीएस पंचतत्व में विलीन हो गए। आपको यह भी बता दें, शुक्रवार सुबह बिपिन रावत के अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम नेता राजनेता पहुंचे। आम लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने भी बिपिन रावत के जाने पर शोक मनाया। जनरल बिपिन रावत को सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे, वायुसेना चीफ वीआर चौधरी और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने भी आखिरी सलामी दी। आपको बता दें, बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 अधिकारियों का निधन हो गया था। बिपिन रावत अपने पीछे दो बेटियां छोड़ गए हैं। पूरा देश उनके जाने से दुख में है।